ओके दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल अगेन। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत स्वागत है। हम देख सकते हैं 11.1 वोल्ट की बैटरी है और 4.2 एएच की लैपटॉप की बैटरी है। इसके अंदर सेल निकालेंगे और 12 वोल्ट की बैटरी बनाएंगे सेपरेट। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे कैसे करना है। सबसे पहले बैटरी को बहुत सही तरीके से ओपन करेंगे, क्योंकि सेल अंदर के जो सेल हैं वो जो है ख़राब ना हो, इसलिए बहुत आराम से बहुत सही तरीके से पूरी निकालने की कोशिश करेंगे बैटरी के कवर को। और कवर इसका निकालने पर ख़राब हो जाता है, टूट जाता है, वो हम फेंक देंगे। कवर की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ सेल को सही से निकालना है। इसके अंदर एक BMS भी लगा रहता है, वो थोड़ा अलग टाइप का BMS होता है, उसमें क्लॉक होती है, उसका इस्तेमाल किसी और प्रोजेक्ट में करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे इस तरीके से बैटरी से सेल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और काफ़ी मेहनत के बाद हमने सुरक्षित तरीके से सेलों को निकाल दिया। वायर कट कर देंगे BMS के और इसको अलग सेपरेट रख देंगे। सेल निकालने के बाद तीनों सेलों को अलग अलग ये सीरीज में इन्हें अलग कर लेंगे, और सबसे पहले वोल्टेज चेक करेंगे इन सेलों की कि हमारे सेल ठीक है या नहीं। तो 3 वोल्ट, 2.9 वोल्ट और 2.9 लगभग ये आ रहे हैं, तो यानी इनको चार्ज करना पड़ेगा लगभग 2-2 घंटे, ये देख सकते हैं। तो 3 एम्पियर से चार्ज कर रहा हूँ मैं एक एक पेयर को, क्योंकि ये 4000 mAh का एक पेयर है, 4000 mAh का। और इनको सबको फुल चार्ज कर लेंगे 4.2 वोल्ट तक। एक सेल हमारा यहाँ पर 2000 mAh का है, तो 2 सेल 4000 mAh के हो गए, और कुल मिला के तीनों 12 वोल्ट। और ये देख सकते हैं हमने सारे सेल को फुल चार्ज कर लिया है, और सीरीज में मिला करके 12.58 वोल्टेज बन रही है। कनेक्शन कर लेंगे, कनेक्शन का लेआउट आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं, बहुत इजी कनेक्शन है। सीरीज़ में लगाने हैं बस तीनों सेल को, सोल्डर करने के बाद वायर निकाल लेंगे, ये आप देख सकते हैं। बहुत अच्छे से पैक कर देंगे टेप वगैरह। मैंने इसमें BMS नहीं लगाया, क्योंकि अगर BMS लगाऊंगा तो 250 रुपये का BMS है, बैटरी कॉस्ट पड़ जाती। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा कि मैंने BMS क्यों नहीं लगाया और कैसे कैसे इसको चार्ज करना है विदाउट BMS। अभी इन्वर्टर से देखिए, फर्स्ट क्लास इन्वर्टर पर बहुत अच्छे तरीके से बैटरी वर्क कर रही है। और चेक करें लोड के दौरान वोल्टेज गिर रही है कि नहीं। ठीक है, बहुत ज़्यादा वोल्टेज नहीं गिर रही, इसका मतलब बैटरी के अच्छे MAH हैं। चेक कर लेते हैं, 12.4 वोल्ट है, और लोड लगाने पर 12.2। बैटरी अच्छे से काम कर रही है दोस्तों। यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब किया, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है।